हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आप लोगों के लिए एक जो है बेबी फ्रॉक की फरमाइश आई मेरे पे कि इस तरीके का बेबी फ्रॉक बताइएगा। ये मैं बता दूं आपको, टॉप डाउन है और वन साइड ओपन है। तो किस तरीके से बनेगा आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है। हार्डली 180 ग्राम में ये फ्रॉक आपकी बनी है और ये फ्रॉक 1.5 से 2 साल का बच्चा आराम से पहन लेगा। तो बाकी आपने अगर बड़े के लिए बनाना है तो मैंने उसी हिसाब से आपको आगे अपने जो है वीडियो में बीच में बताया है कि आप किस तरीके से फंदों का डिवीजन कर सकते हैं या कैसे आप बड़ों के लिए भी इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए, एक फ्रॉक की फरमाइश है तो इस तरीके से वो ले रही हूँ और आपको बता दूँ 9 नंबर की सिलाई से मैं इसमें बना रही हूँ। अब करना क्या है, आपने फंदे डालने हैं। फंदे किस तरीके से डालने हैं, ये किया आपने ऐसे, इसे लिया, इसे बना दी। अब ये ऐसे लीजिएगा, ऐसे, तो ये आपके ऐसे हो गया। अब देखिए करना क्या, ये लिया ऐसे और इसे, फिर लिया नीचे से और इसे, ऐसे आएंगे फंदे। ये अंगूठा ऐसे लिया, इसमें से इसको निकाल दिया, ऐसे खींचा, फिर अंगूठा नीचे से लिया ऐसे, ये। अब देखिए एक बार धीरे से दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसे आएंगे आपके फंदे, तो थोड़ा सा डिजाइनर फंदे आ जाते हैं। देखिए अंगूठे को यहाँ से डालेंगे ऐसे, इसमें से इस वाले ऊन को निकाल लेंगे धागे को और खींच लेंगे, फिर अंगूठा निकाल के यहाँ से डालेंगे ऐसे और खींच लेंगे। अब सारे फंदे आपने इसी तरीके से डालने हैं। तो अब देखिए इस तरीके से जो है मैंने 68 स्टिचेस डाले हैं। 68 स्टिचेस डालने के बाद अभी मैं सीधे सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी, गार्टर स्टिच जिसे बोला जाता है, सीधे सीधे का पहले बॉर्डर बनाऊंगी। तो आपने यहाँ से सीधे सीधे का ऐसे बॉर्डर बनाना है। देखेंगे ये ऐसे सीधे सीधे का बॉर्डर बनाइएगा, आपने दोनों तरफ सीधा सीधा करते हुए इसमें जाना है। अच्छा, आपको ये चीज़ बता दूं कि मैं 9 नंबर की सिलाई ले रही हूँ तो मैं फंदे 68 डाल रही हूँ। अगर आप 10 नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे तो कम से कम 72 या 74 के आसपास स्टिचेस डालेंगे। देखिए ये जो है 4 लाइनें हो गई है। अब आपने यहाँ पे बटन होल डालना है, तो बटन होल हम इस साइड पे डालेंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि टॉप डाउन है और एक साइड ओपन है, तो आपने क्या करना है, स्टार्टिंग में नहीं डालना है, लास्ट में आपने बटन होल डालना है। तो ये 7 फंदे हमने बटन पट्टी के रखने हैं, 2, 2, 4, 5, 6, 7, इसमें से 1, 2, ये 2 बनाऊंगी, 3 बनाऊंगी रादर, और यहाँ पे हम बटन होल डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ करके इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे, ये देखेंगे आप, और फिर जिस तरीके से साइड कर रहे थे वैसे ही करना है। देखेंगे यहाँ पे आपका बटन होल डल गया, आप गैप गैप में डालना है। फिलहाल मैं 2 लाइन्स और कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि हम इसका आगे का हिस्सा किस तरीके से फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे। देखिए ये बॉर्डर मैंने बना लिया, बॉर्डर मैंने 1, 2, 3, 4 यानी कि 8 लाइंस का बॉर्डर बनाया। आप चाहे तो सर्कुलर नीडल यूज़ कर सकती है या इसी नीडल से बना सकते हैं। अब आगे का प्रोसीजर क्या करना है देख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं, लेकिन फंदे हम इन पट्टी के जगह पर नहीं बढ़ाएंगे, बीच में जो है वहाँ बढ़ाएंगे। तो पहले आपने क्या करना है, ये लिया पट्टी के जो फंदे 7 है वो बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे आप एक फंदा बढ़ा लेंगे। अब 3 फंदे बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर 3 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। अब ये बढ़ाने का क्राइटेरिया आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपने कौन सा किस तरीके से बढ़ाना है। 1, 2, 3, फिर बढ़ाएंगे। अब लास्ट के 7 फंदों तक आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। 3 फंदे बनाने हैं, 1 फंदा इंक्रीज करना है यानी कि बढ़ाना है ऐसे। 3 फंदे बनेंगे, 1 बढ़ेगा ऐसे, पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा। ये देखिए लास्ट में आ गए, तो यहाँ पे 3 फंदे, ये यहाँ पे बढ़ाया था, अब 3 फंदे बनाऊंगी और यहाँ पे बढ़ाऊंगी, और इसके बाद हमारे पास 7 फंदे हैं जो हमारे पट्टी के हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4,
पाँच, छः और ये सात। अब आ जाइए उल्टी लाइन पे। क्या करना है कि पट्टी के फंदे तो सीधे बनेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। तो आपने पट्टी के फंदे पहले सीधे बनाने हैं, दो तीन चार पाँच छः सात, बाकी फंदे ऐसे उल्टे, और लास्ट में भी सात फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब इसके बाद डिज़ाइन किस तरीके से डलेगा वो मैं आपको इसमें बताऊंगी। अब देखिए डिज़ाइन किस तरीके से डालना है। ये पट्टी के फंदे हैं, 73 स्टिचेस है, तो डिज़ाइन को मैं किस तरीके से करूँगी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है, जो मैं डिज़ाइन डालने जा रही हूँ उसमें दो फंदे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो एक फंदा इधर और एक फंदा इधर हम जो है उल्टा ऐसे रखेंगे। ये देखिए ये रखा, फिर धागा आगे किया। अब एक सीधा छः उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे एक सीधा, अगेन छः उल्टे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे एक सीधा। पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा, छः उल्टे और एक सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, एक सीधा। अब देखिए यहाँ पे एक फंदा एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसे मैं जो है उल्टा बनाऊंगी ऐसे। फिर ये फंदे सीधे पट्टी के, अब उल्टी लाइन में क्या करना है कि पट्टी के फंदे तो सीधे बनेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। अब ये मैं दो बार और दोहराऊंगी इसी तरीके से, उसके बाद फिर से हम बढ़ाएंगे। तो देखेंगे ये पट्टी के फंदे आपने ऐसे बनाए पहले, दो तीन चार पाँच छः सात, फिर ये फंदे सारे आपने उल्टे बनाने हैं ऐसे, और यही दो लाइन मैं अभी एक बार और रिपीट करूँगी, उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा एक बार और बढ़ा लेंगे। अब देखिए ये लाइन पूरी कर ली है। अब मैं ये जो दो लाइन मैंने अभी आपको बताई, ये मैं दो बार दोहराऊंगी, यानी कि चार लाइंस। ये जो डिज़ाइन अभी बताया ये दो बार दोहराऊंगी, यानी कि चार लाइंस और करूंगी, और उसके बाद फिर हम इसमें बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे किस तरीके से फिर मैं बताऊंगी। फिलहाल यही जो है चार लाइंस, जो अभी मैंने दो लाइन बताई उसी को रिपीट करना है टू टाइम्स आपने। तो वही सात फंदे उल्टे, सात फंदे सीधे, देखेंगे दो दो चार पाँच छः सात, फिर ये एक उल्टा एक सीधा, छः उल्टे, इस तरीके से करेंगे। एक सीधा, ऐसे रिपीट करते हुए जाएंगे आप। अब देखिए चार लाइन इस तरीके से जैसे आपको बताई डिज़ाइन की वैसे ही की है। अब करना क्या है, यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। इसके बाद डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज होगा, मैं बता दूंगी आपको। पहले यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं, तो बढ़ाने कैसे, ये आपने उतारा, पट्टी में फंदे नहीं बढ़ाने हैं, ये पट्टी के फंदे नॉर्मल सीधे बनेंगे, दो दो चार पाँच छः और ये सात। अब जो ये एक उल्टा फंदा था पहले, तो इसे बनाऊंगी और यहीं पे एक फंदा उल्टा ही बढ़ाऊंगी ऐसे, ये देखें, ये धागा आगे इसे सीधा बनाया। अब जो ये छः फंदे हैं इसके बिल्कुल सेंटर में एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो आपने तीन फंदे उल्टे बनाने हैं, एक दो तीन, और इसे यहाँ पे तीन के बाद एग्जैक्टली सेम उल्टे में बढ़ाना है, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, ये देखिए, फिर ये फंदा सीधा। अब इसी तरीके से आपने जितने भी छः फंदे हमने उल्टे रखे हैं उसके बिल्कुल बीच बीच में बढ़ाना है, तो एक दो तीन, फिर ये लिया आपने ऐसे और इसे उल्टा बनाया, फिर एक दो तीन, ये फंदा सीधा। देखेंगे आप पूरे जो छः फंदे हैं उसके बिल्कुल सेंटर में बढ़ा रही हूँ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर ये लिया और इसे उल्टा बना दिया, फिर एक दो तीन, एक फंदा सीधा, एक
तीन, ये सीधा। अब देखिए लास्ट पे आ गए आप, लास्ट में वही एक दो तीन, ये बढ़ाया, फिर ये तीन बनाए, एक दो तीन। अब जो ये सीधा बनाया है इसके बाद आपने एक फंदा बढ़ाना है, जैसे हमने वहाँ पे एक फंदे में बढ़ाया था, ये हो गया ऐसे, फिर ये उल्टा और पट्टी के फंदे सीधे। उल्टी लाइन में जैसे बताती हूँ वैसे ही बनाते हुए जाए, फिर अगली लाइन बता रही हूँ आपको कि आप किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये डिज़ाइन है तो डिज़ाइन जो है थोड़ा सा चेंज है। अभी आपके डिज़ाइन के सिर्फ आठ लाइंस हुई है, दस लाइंस का डिज़ाइन है जो मैं इसके बाद दो बताऊंगी। पहले आपने उल्टी लाइन पूरी उल्टी करनी है, सिर्फ पट्टी के फंदे जो है सीधे बनेंगे। अब आप देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है, ये लाइन मैंने पूरी कर ली है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जो डिज़ाइन बेसिकली हम डाल रहे हैं, एक दो तीन चार लाइनें ऐसे आनी चाहिए, चार लाइनों का मतलब है आठ लाइंस टोटल में होगी। अब जो आपने अगली लाइन करनी है वो ये पूरी सीधी जाएगी और फिर उल्टी आएगी। पट्टी के फंदे तो जैसे बन रहे वैसे ही बनेंगे, लेकिन बाकी फंदे सीधे जाएंगे और उल्टे आएंगे, और उसके बाद फिर से आपने डिज़ाइन को शुरू करना है। तो मैं इसमें जो है सर्कुलर निडल लगा रही हूँ, उसका यूज़ कर रही हूँ। अब देखें ये उतारा आपने, पट्टी के फंदे आपने बनाए, अब यहाँ से हमने ये सारी लाइन सीधी बनानी है, सारी ऐसे, उल्टे फंदे बनाने ही नहीं हैं, सारी लाइन पूरी सीधी जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन आपकी पूरी सीधी जानी है। पट्टी के फंदे तो जैसे है वो इस साइड से तो सीधे ही है तो सीधे ही बनेंगे। अब उल्टी लाइन में आपने क्या करना है कि उल्टी लाइन में आपने इसे पट्टी के फंदे सिर्फ सीधे बनाने हैं, बाकी उल्टे बनाने हैं। तो पट्टी के फंदे आप ऐसे सीधे बनाइएगा, और ये वाले फंदे सारे उल्टे बनेंगे। अब देखिए ये तो था डिज़ाइन का पार्ट, जो आपने 10 लाइंस डिज़ाइन के इसी को फॉलो करते हुए जाना है। एक तो ये डिज़ाइन का पार्ट हो गया। अब हो गया बढ़ाने का। अब पहले तो मैंने जस्ट बॉर्डर के बाद यहाँ पे बढ़ाया, फिर उसके बाद चार लाइंस के बाद बढ़ाया। अब फिर से हमारी चार लाइंस हो गई है, तो अब फिर से हम एग्जैक्टली सेम वहीं पर बढ़ाएंगे। एक यहाँ बढ़ाऊँगी, फिर इनके बीच बीच में बढ़ाऊँगी यहाँ पर, और फिर एक यहाँ बढ़ाऊंगी। इस तरीके से हर चार लाइंस के बाद हमने फंदे बढ़ाने हैं, और साथ में जो है इसमें इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जाना है। जो ये 10 उसका डिज़ाइन है लाइंस का, इसे आपने फॉलो करते हुए जाना है। एक लाइन दिखा देती हूँ, फिर आपने इसी को बनाते हुए जाना है। अब ये तो आपके पट्टी के फंदे सीधे ही बनेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है, क्योंकि ये तीसरे फंदे पर हमने सीधा करना है, तो यहाँ पर दो फंदे बनाने के बाद एक फंदा यहाँ पे बढ़ाऊंगी ऐसे। देखिए मैंने भी गलत कर दिया, ये दो फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, सीधे नहीं बनेंगे ऐसे, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ेगा, धागा आगे, एक सीधा। अब जो सात फंदे उल्टे थे, क्योंकि पहले छह थे फिर बढ़ गया एक तो सात हो गए, उसमें से तीन फंदे पहले बनाऊंगी, एक दो तीन या चार बना लूँगी और एक यहाँ पे बढ़ा लूँगी, ये देखिए, फिर ये फंदे उल्टे, एक दो तीन, अगेन एक फंदा सीधा, फिर वही जो हमारे पास सात फंदे उसमें से चार फंदे बनाऊँगी, एक या तीन फंदे बनाऊँगी, ये आप अपने हिसाब से देखिएगा गैप आपने कैसे रखना है, और एक फंदा बढ़ा लिया। फिर एक फंदा सीधा। अब ऐसे ही आपने ये जो सात फंदे बीच गए हैं इनमें बढ़ाते हुए जो है जाना है, ये ऐसे, फिर ये बनाया, फिर एक फंदा बनाया, ये देखो। अब यही चीज़ आपने दोहराते हुए फिलहाल जानी है, जब तक कि ये पाँच इंच के आसपास या छः इंच के आसपास, पाँच इंच बहुत है वैसे तो बच्चे के लिए, तब तक हमने इसी तरीके से करते हुए से जाना है। ये जो लाइंस है 10 लाइंस का डिज़ाइन है इसको फॉलो करना है। हर चार लाइंस के बाद आपने ऐसे यहाँ पे एग्जैक्टली सेम बीच बीच में जो है बढ़ाते हुए जाना है। अब फिलहाल मैं इसे दोहराते हुए जाऊँगी।
अब ये देखिए ये 3 इंच के आसपास हो गया है। अभी मुझे 2 इंच और करना है, लेकिन मुझे फंदे लग रहा है कि कम है, तो मैं इसमें देखेंगे आप फंदे किस तरीके से बढ़ाऊंगी। ये देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे तो ये 3 इंच है। अब फंदे का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो जाएगा। पहले तो हम एक एक फंदा बीच में कर रहे थे हर 4 लाइन्स के बाद, अब 2-2 फंदा हर 4 लाइन्स के बाद करेंगे, क्योंकि इसमें फ्रॉक टाइप बन रही है तो थोड़े फंदे ज़्यादा चाहिए। अब करना क्या है, आपने पट्टी के फंदे तो जैसे बन रहे थे वैसे ही बनेंगे, ये देखिए ये हो गए आपके पट्टी के फंदे। अब यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी इस वाले पे, क्योंकि इसमें कम है, 1-2, फिर आपने ये लिया इसे बढ़ाया, ये हो गया और इसे सीधा। अब जितने भी आपके ये फंदे हैं इनके इनमें हम 2-2 फंदे बढ़ाएंगे, तो क्या करूंगी मैं, देखेंगे आप, 1-2-3, यहाँ एक फंदा बढ़ाया, फिर 1-2-3, यहाँ एक फंदा बढ़ाया। अब ये वाले फंदे उल्टे, 1-2-3, फिर ये सीधा, एंड अगेन 1-2-3, यहाँ पे फंदा बढ़ाया, फिर 3 बनाया, 1-2-3, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाया, फिर 1-2-3। देखिए जितने हमने ये बना रखे हैं, ये बेसिकली इसमें हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं, इनमें हमें 2 फंदे बढ़ाने हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें इसमें और इसमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है बीच में। इसके बाद 4 लाइन्स बनेगी, फिर अगेन इसी चीज़ को जो है मैं रिपीट करूँगी। अब आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा लिया है, अब 4 लाइनें बनाऊंगी, यानी कि उल्टी करने के बाद 4 लाइनें, फिर अगेन इसी तरीके से 2-2 फंदे जो है बढ़ाऊंगी। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा खुला फ्रॉक चाहिए, तो इसलिए हम इसमें फंदे थोड़े से ज़्यादा आने चाहिए तो बढ़ाएंगे। अब आप ये देखिए मैंने इतना बना लिया, लेकिन अभी भी मेरे को लग रहा है कि मेरे को जो है इसमें फंदे थोड़े से बढ़ाने हैं। तो अब ये देखेंगे, अब 4 इंच यहाँ तक आ गया है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी अभी 1 इंच के आसपास और बनाऊंगी, तो मैं चाहूंगी यहाँ पे ज़्यादा फंदे बढ़ाना, क्योंकि अभी मेरे पास जो फंदे हैं वो 152 है, तो मुझे कम से कम 30-40 फंदे और चाहिए इसमें, ताकि इसे मैं आगे थोड़ा फ्रॉक की तरह बना पाऊँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखेंगे हर फोर्थ फंदे के बाद एक एक फंदा बढ़ा लूँगी, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो ये है इनमें फंदे उतने ही होने चाहिए बराबर सब में, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना है, बाकी आपने बढ़ाना है। देखेंगे ये आप पट्टी के फंदे तो नॉर्मल बनाएंगे, ये बना लिए। अब यहाँ पे आ गए हम, तो यहाँ पे मैं एक फंदा तो यहीं पे बढ़ा लूँगी पहले, देखिए ये बढ़ गया, फिर 1-2-3-4, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, फिर 1-2-3-4, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, एक दो तीन चार, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया, 1-2-3-4, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया। अब देखिए ध्यान देने वाली, आपको क्या ध्यान देना है इस बात के लिए, अब फिर से 1-2-3-4, अभी यहाँ पे हमने 3 फंदे बढ़ाए, फिर एक फंदा और बढ़ाया ऐसे, ये हो गए। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 फंदे इसमें हमने बढ़ाए हैं। अब हमेशा यही ध्यान रखना है, यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं रखूँगी, एक फंदा बनाऊँगी, अगेन इसमें 4 फंदे बढ़ाने हैं, तो एक फंदा तो यहीं बढ़ेगा, देखिए ये 1-2-3-4, ये बढ़ गया आपका दूसरा फंदा, फिर 1-2-3-4, फिर बढ़ गया ये तीसरा फंदा, फिर 1-2-3-4, फिर बढ़ गया आपका ये
चौथा फंदा, एंड अगेन जो है आपका ये फंदा सीधा आएगा। अब ये वाला फंदा आपका सीधा आएगा, फिर से यहाँ पे एक फंदा बढ़ेगा, एग्जैक्टली सेम करना है। एक बढ़ाया फिर चार बनाए, एक दो तीन चार, फिर एक और बढ़ाया, ये दूसरा हो गया, फिर चार, एक दो तीन चार, ये तीसरा। देखिए आपने अपने अपने फंदों के हिसाब से इस चीज़ को इसमें करना है, एक दो तीन चार, और ये सीधा फंदा। अब पूरी लाइन ऐसे ही बढ़ाऊंगी और ऑलमोस्ट मेरा जो है ये आर्म होल तक आने वाला है। इसमें शायद मैं दो लाइनें और करने के बाद फिर इसे अलग करूंगी, तो आपको बताऊंगी कि अलग हम किस तरीके से करेंगे। फिलहाल मैं ये ऐसे ही बढ़ाती हुई जाऊंगी और उसके बाद कम से कम चार लाइनें बनाऊंगी, यानी कि एक उल्टी लाइन, तीन लाइनें बनाऊंगी, एक उल्टी लाइन, फिर सीधी, फिर उल्टी। उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे हम। चलिए अब देखिए मैंने इसे तीन लाइनें और बना दी है और ये जहाँ तक मैं समझ रही हूँ 5 इंच के आसपास आ गया है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 5 इंच, और अगर ऊपर तक देखते हैं तो 5.5 इंच के आसपास आया है। अब हमें इसे जो है इसके बाजू बंद करने हैं और फिर उसके आगे पीछे का बनाना है। अब बाजू क्यों कैसे बंद करने हैं, क्योंकि हम इसे साइड का बना रहे हैं। देखेंगे ये इस तरीके से बनेगा ऐसे, यानी कि एक साइड का स्वेटर बन फ्रॉक बन रही है ये। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले तो मैं ये वाले फंदे जो पट्टी के हैं वो तो मुझे बनाने हैं, तो आप ये देखेंगे पहले पट्टी के फंदे बना लेंगे। और बाजू में मैं 42 और 42 रख रही हूँ, मेरे पास इस समय टोटल में 196 स्टिचेस है, तो बाजू में मैं 42 और 42 रख रही हूँ और बैक में मैं रखूँगी 56 और फ्रंट में हो जाएंगे 28 एंड 28। अब कैसे डिवाइड करूँगी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब पहले तो पट्टी के फंदे आप बनाएंगे, ये देखिए 7 फंदे आपने पट्टी के बनाए जो हमने रखने हैं, और 7 के बाद मैं यहाँ से एक और एक दो फंदे, सिर्फ 2 फंदे लूँगी। अब यहाँ से मैं बाजू के जो 42 फंदे हैं वो मैं बंद करूँगी, तो धागा अपनी तरफ करके आपने ऐसे बनाना है उल्टा, फिर इसे उल्टा बनाइएगा और इस वाले को इसके ऊपर से उतार दीजिएगा, एक दो तीन चार, ऐसे आपने 42 स्टिचेस बंद करने हैं, 5, ये देखेंगे ऐसे पहले हम 42 स्टिचेस बंद करेंगे। अब ये देखिए 42 स्टिचेस यहाँ पे मैंने ऐसे बंद कर दिए हैं, आप इसे कम ज़्यादा अपने हिसाब से रखेंगे। अब यहाँ से 56 स्टिचेस जैसे मैंने डिज़ाइन के हिसाब से बनाना है सीधा, उसी तरीके से इसे बनाऊंगी सीधा, क्योंकि इस समय डिज़ाइन में मेरे सीधा बनाना है तो मैं इसे सीधा बनाऊंगी, 56 स्टिचेस को ऐसे सीधा बनाऊंगी। ये देखिए 56 स्टिचेस ये मैंने बैक के बना लिए। अब यहाँ से फिर वही 42 स्टिचेस बंद करूँगी और फिर ये मेरे फ्रंट के स्टिचेस रहेंगे। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको शायद 56 का आधा 28 बताया था, तो इसमें हम 28 तो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जो है पहले 50, आप ये देखेंगे 2 फंदे छोड़ने के बाद 42 बंद किए, फिर 56 बनाए बैक के। अब यहाँ से अगेन 42 फंदे ऐसे बंद करूँगी इस तरीके से, ये लेंगे आप ऐसे ऐसे, एक दो तीन चार पांच, ऐसे आपने 42 स्टिचेस बंद करने हैं। अब ये देखिए फिर से 42 स्टिचेस बंद किए हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ 54 स्टिचेस बचे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने ये 2 स्टिचेस रखे थे, 7 के बाद 2 स्टिचेस करे हैं, तो 54 स्टिचेस यहाँ पे इस साइड पे है जिसे हमने सीधा बनाना है। और उल्टी लाइन में आपको दिखाती हूँ कि हम इन्हें किस तरीके से जोड़ेंगे। अभी पहले आप ये पूरा जो है फंदे सीधे बनाएंगे इस तरीके से। अब आप देखिए किस तरीके से आया है, ये देखेंगे आप, ये साइड आया, ये बाजू आ गई, ये साइड पे बटन जो है वो है, आपने इसे इस तरीके से रखना है।
बटन पट्टी, और ये देखेंगे ये अब साइड पे आएगा। लेकिन अब हम फ्रॉक बना रहे हैं तो बढ़ाना तो हमें यहाँ भी है, क्योंकि हम फ्रॉक बना रहे हैं तो थोड़ी सी वो ए शेप की फ्रॉक जाएगी, तो बढ़ाना तो यहाँ भी है। वही हर चार लाइन के बाद बढ़ाऊंगी। अब कैसे बढ़ाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पर नहीं बढ़ाना है। अब फिलहाल पहले हम उल्टी साइड में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अभी ये मैंने सीधी साइड की है, तो उल्टी साइड में हम किस तरीके से करेंगे ये आपको यहाँ पे बता रही हूँ। देखेंगे ये इस तरीके से आपका जो है बेबी फ्रॉक बन रहा है। आप इसे स्वेटर भी बना सकते हैं, बिल्कुल सेंटर लेकर, इनको पट्टियों को सेंटर लेकर मैंने साइड लिया हुआ है। चले देखें अब उल्टी साइड में हमने क्या करना है। अभी आप देखेंगे ये ऐसे खुले हैं, ऐसे खुले हैं। अब क्या करना है, पहले तो ये लाइन पूरी उल्टी करेंगे और साथ में इनको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे कैसे वो मैं दिखाती हूँ आपको। पहले तो ये पट्टी के फंदे हमने सीधे ही बनाने हैं। ये बनाया आपने एक, ये उतारा दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। ये वाले फंदे उल्टे बनाने हैं। अब आप देखिए ये आ गई मैं यहाँ पे, ये फंदा और ये फंदा, इसको लाएंगे पास में और इन दोनों फंदों को आपने ऐसे देख रहे हैं आप, दोनों फंदों को दो का एक कर देना है और फिर आपने बाकी उल्टे बनाने हैं। ये हमने इसे यहाँ पे जोड़ दिया है। अब जहाँ तक खुला है वहाँ तक आप उल्टा बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, ऐसे दोनों को इकट्ठा, और ये सात फंदे हमारे पट्टी के हैं। अभी आपको दिखाती हूँ अब ये इसका लुक कैसे आ रहा है। ये हो गया आपका, जुड़ गया। अब हमने ये बनाते हुए जाना है। ये देखेंगे आप, ये देखिए ऐसे आएगा अभी। अब इसे बनाते हुए जाना है, लेकिन हमें बढ़ाते हुए जाना है। अब बढ़ाना कैसे है, क्योंकि अभी मुझे अब बढ़ाना है। हमने चार लाइनें कर ली है, हर चार लाइन के बाद ही बढ़ाऊंगी। अब बढ़ाऊंगी किस तरीके से, ये जो हमने सीधा रखा है, अब पहले आपने क्या करना है, आपने ये फंदे गिनने हैं। ये जो हमने बीच के उल्टे हैं, ये आपके दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह 17 स्टिचेस है ये जो है, तो यानी कि सब में 17 होने चाहिए। उस तरीके से आपने डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। ये ऑलरेडी 17 होंगे, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास ये एक ही फंदा है। ये सीधा रखना है आपने इस फंदे को, और बाकी 17 स्टिचेज, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सत्रह, ये देखेंगे आप। अब यहाँ पर भी गिन लीजिएगा आप, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, एग्जैक्ट सेम ये वाला फंदा सीधा रखना है। फिर यहाँ से दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस, अब ये दस ही है देखेंगे आप यहाँ पे। तो अभी मैं क्या करूँगी सत्रह के लिए, अब देखिए बाकी सब जगह पे जो है एग्जैक्ट है, यहाँ पर तो ऐसे ही रहेगा। ये वाले सारे है, सिर्फ ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हमारे पास दस फंदे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसे ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि ये साइड पर ही चलेगा, तो सत्रह फंदे नहीं कर सकते। अब हमने बढ़ाना कैसे है कि एक दो तीन चार पाँच छः और ये सात, सात जगह पे दोनों तरफ जो है बढ़ाना है, इधर भी और इधर भी। सिर्फ ये सीधे फंदों के साथ में हमें बढ़ाना है हर चार लाइन के बाद, तो ये फ्रॉक की एक शेप आ जाएगी। अब एक लाइन आपको दिखाती हूँ, फिर आपको उस तरीके से करते हुए जाना है। आप देखिए कैसे करेंगे, ये उतारा पट्टी के फंदे नॉर्मल बनाए, दो तीन चार पाँच छ सात। अब जो ये सीधा फंदा है, क्योंकि ये वाला फंदा हमने सीधा रखा है, तो इसके आसपास बढ़ाना है, तो ये वाला फंदा हमारा उल्टा जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे बढ़ाएंगे एक फंदा, फिर बनाएंगे इसे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ बढ़ाएंगे एक फंदा, इस सीधे के आसपास हमने बढ़ाना है, फिर ये बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह
13, 14, 15, 16 और ये 17, देखिए एग्जैक्ट आया। फिर ये सीधे फंदे के आसपास बढ़ाना है आपने, ये लिया ऐसे, इस पे बढ़ाया, फिर सीधा फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, फिर इसके आसपास बढ़ाया ऐसे, यानी कि जो 7 जगह पे है 14 फंदे हमारे एक लाइन में बढ़ेंगे ऐसे। और हर चार लाइंस करने के बाद हमने इस तरीके से बढ़ाना है। अब पूरी लाइन तो पहले मैं यही करूँगी, जहाँ जहाँ पे सीधा फंदा है उसके आसपास बढ़ाऊँगी, जो ये सीधा फंदा हमने रखा है, और बाकी फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। और बढ़ाना भी आपको उल्टा ही है, उसे आपने सीधा नहीं करना है। तो ये देखिएगा, ये आप आ गए सीधी वाली लाइन पे, इसे उठाया ऐसे और उल्टे में बढ़ाया, फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, इसे उठाया ऐसे उल्टे में बढ़ाया, फिर ये उल्टे, पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ इस वाले पे बढ़ाया है मैंने, और इसके यहाँ पे नहीं बढ़ाऊँगी, इसे मैं जैसे हम पट्टी बना रहे थे वैसे ही बढ़ाऊँगी, पट्टी के साइड पे मैं नहीं बढ़ाऊँगी। ये देखिए अब इस तरीके से आया। अब चार लाइनें करूँगी, यानी कि उल्टी लाइन करने के बाद चार लाइनें करूँगी, फिर अगेन इन्हीं जगहों पे, जो ये वाइट दिख रहा है आपको, इन्हीं जगहों पे दो दो फंदे बढ़ाऊँगी चार लाइनों के बाद, फिर करूँगी, फिर उसके बाद बढ़ाऊँगी। तो थोड़ा सा आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपको कितना चौड़ा बच्चे के लिए या खुला चाहिए, उस हिसाब से आप इसे बढ़ाते हुए जाएंगे। अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप 6 लाइनों के बाद ऐसा बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगेगा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो 8 लाइंस के बाद बढ़ाइएगा, पर मैं फ़िलहाल इसे 4 लाइंस के बाद ऐसे ही बढ़ाती हुई जाऊँगी, जो मैंने अभी बताया वैसे ही बढ़ाऊँगी, फिर 4 लाइंस उल्टी लाइन करने के बाद 4 लाइंस करूँगी, फिर बढ़ाऊँगी, फिर 4 लाइंस करूँगी, फिर बढ़ाऊँगी। अब आप ये देखें, ये मैंने इतना बना लिया है, लेकिन अभी मुझे कम से कम इसे 4 इंच और बनाना। आप ये देखेंगे यहाँ से अगर मैं इसकी लंबाई नापती हूँ तो 9 इंच है, और मैं कम से कम जो है 14 इंच बनाना चाह रही हूँ या 13 इंच, क्योंकि 2 साल के बच्चे के लिए कर रहे हैं तो 13-14 इंच के आसपास रखना है। तो अगर मैं इसे 13 इंच भी बना रही हूँ तो उसमें से मुझे 1.5 इंच का बॉर्डर चाहिए या 1 से 1.25 इंच का बॉर्डर चाहिए, और अभी आप देखेंगे मुझे 2.5 इंच बनाना है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चौड़ाई काफ़ी आ गई। अब मैं अगर बढ़ाऊंगी जिस तरीके से आपको पता है तो ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगी, तो अब मैं बढ़ाऊंगी नहीं, इसे एज इट इज़ कंटिन्यू करूंगी, या मैं 8 लाइंस के बाद बढ़ाऊंगी। ये आपने अपने अपने फ्रॉक के हिसाब से, जिसके बच्चे के लिए बना रहे होंगे उस हिसाब से देखना है कि कहाँ पर आपने बढ़ाना है और कहाँ पर आपने थोड़ा गैप दे के बढ़ाना है। तो अब मैं पहले 4 लाइंस के बाद कर रही थी, अब मैं 8 लाइंस के बाद जो है बढ़ाऊँगी, तो थोड़ा सा एक शेप भी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ेंगे, और आई थिंक सो मेरा 2.5 इंच का आ जाएगा यहाँ से, और उसके बाद मैं इसका बॉर्डर बनाऊँगी। बॉर्डर जिस तरीके से गले का बनाया है वैसे ही बनाऊँगी इसमें, और अभी मैं फ़िलहाल इसे ऐसे ही बनाती हुई जाऊँगी, लेकिन बढ़ाने के लिए मैं इसमें गैप दूँगी। अभी आप ये देखेंगे, अगर इसे इस तरीके से किया आपने तो ये 10 इंच आया है, तो मुझे अगर 13 इंच चाहिए तो मुझे अभी 2 इंच एक और 1.5 इंच और बनाना है, और 1.5 इंच में मैं 8 लाइंस में, अभी मैं 4 लाइंस में कर रही थी, अब मैं 8 लाइंस में बढ़ाऊंगी, तो बहुत ज़्यादा फंदे मेरे नहीं बढ़ेंगे और उसके बाद इसमें बॉर्डर बना लेंगे। तो चलिए फिलहाल इसे मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती हुई जा रही हूँ जैसा आपको बताया। अब आप ये देखिए, ये बन गया है, ये मैं बता दूँ आपको, ये यहाँ से यहाँ तक ये 12 इंच बना है, देखेंगे आप 12 इंच से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब मैं चाहती हूँ ये यहीं पे बंद कर दूँ, यानी कि इसका बॉर्डर बनाऊँगी। बॉर्डर आप ये जैसे जिस पट्टी जिस तरीके से है, इसका थोड़ा सा डबल बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर चौड़ा इस पर अच्छा लगेगा, और जैसे आपको बताया वैसे ही बढ़ाया है, देखेंगे आप। फंदे नहीं बताऊँगी क्योंकि आपने हर एक ने जो अलग अलग बनाएगा उसके पास अलग अलग फंदे हो जाएंगे। तो इतना एक चीज़ बता दूँ कि जब आपने बड़ों के लिए बनाना होगा, यानी कि ये अगर मैं 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ, तो अगर आपने उससे बड़े बच्चे के लिए बनाना है तो आपको ये लंबाई करते हुए जाना है, लेकिन बढ़ाने का क्राइटेरिया थोड़ा सा गैप में रखिएगा, अदरवाइज अजीब सा फैल जाएगा। पहले जैसे 4-4 किया, फिर 8-8 किया, इस तरीके से फिर आप 10 के बाद भी बढ़ा सकते हैं। अब मैं इस समय उल्टी लाइन पे खड़ी हूँ, तो मुझे क्या करना है, मैं बॉर्डर बनाना है, और बॉर्डर मैं कम से कम जो है 16 लाइन्स का बॉर्डर बनाऊँगी, थोड़ा सा चौड़ा रखूँगी बॉर्डर को। और अब करूँगी क्या मैं, ये आप देख लीजिए, आप उल्टे साइड पर हूँ, आप ये देखेंगे जो हमने डिज़ाइन बनाया था, ये देखेंगे 4, और इसमें एक लाइन सीधी जो हम करते थे वो है,
और यहाँ पे उल्टे साइड पे। अब मैं पूरी लाइन सीधी बनाऊंगी, फिर सारी जो लाइनें हैं वो सीधी सीधी करते हुए जाऊंगी। अब यहाँ से आपने देखेंगे, आप ये करना है ऐसे, और ये आपने सारे फंदे जो है सीधे बनाने हैं। अब दोनों तरफ आप सीधा सीधा बनाते हुए इसको बॉर्डर को जाएंगे। अब मैं आपको अब आप ये देखिए, ये जो है तैयार हो गया है मेरा। ये देखेंगे आप इस तरीके से इसका जो लुक आ रहा है, ये ऐसे लुक आ रहा है। अब ये कितना बना है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये आप देखेंगे थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है बेसिकली जो हमने ये बनाया है। अब यहाँ से अगर मैं ये देखती हूँ तो ये देखेंगे आप, ये 14 इंचेस लॉन्ग आया है टोटल में। तो आप इसे मेरे ख्याल से 1.5 से 2 साल का बच्चा आराम से इसे पहन सकता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे 10 इंच यानी कि 20 इंच गोलाई में है। बाकी ये फ्रिल तो आप अपने हिसाब से, बच्चों के हिसाब से इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये बेबी फ्रॉक जो है टॉप डाउन साइड ओपन तैयार हो गया है। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और जब आप ये बनाएं तो क्या दिक्कतें आ रही हैं या किस तरीके से हो रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।